प्रश्न, सद्गुरु, आमतौर पर जहां कहीं भी प्रवचन होता है और हम योग के बारे में सुनते हैं, आमतौर पर जो बताया जाता है वह उन शारीरिक आसनों के परे की बात होती है जो पश्चिम से लौटकर आए हैं। कहा जाता है कि योग जीवन जीने का तरीका है, तो फिर जीवन और योग में क्या फर्क है? सद्गुरु कहते हैं, अगर कोई कह रहा है कि योग जीवन जीने का तरीका है, तो या तो वह अज्ञानतावश ऐसा कह रहा है या मार्केटिंग करने में वह अच्छा है। वे केवल उन बातों को बता रहे हैं जो आपके लिए आज अभी जरूरी है, क्योंकि अगर वे बहुत सारी बातें बताएंगे तो आप वहां नहीं जाएंगे। अब आप पहले दिन जाते हैं, वे कहेंगे यह कुछ और नहीं है, यह तो जीवन जीने का एक तरीका है, जीवन पद्धति है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप अपने जीवन में सब कुछ कर सकते हैं और फिर भी इसे कर सकते हैं। यह मार्केटिंग है और यह करनी ही पड़ेगी, नहीं तो बात कैसे बनेगी? तो क्या योग एक व्यायाम है या जीवन पद्धति है? योग का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। जब हम मेल कहते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपना व्यक्तिगत अस्तित्व विलीन कर रहे हैं। आपके अनुभव में हर चीज आपका ही हिस्सा बन जाती है। यह कैसे संभव है? आज आधुनिक विज्ञान यह साबित कर रहा है कि पूरा का पूरा अस्तित्व एक ही ऊर्जा है। जब आइंस्टाइन ने कहा E=mc², तो वह इसी बात की गणितीय अभिव्यक्ति थी। इसका मतलब यही था कि पूरी सृष्टि सिर्फ एक ऊर्जा है जो अरबों अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त हो रही है, लेकिन है सब एक ही ऊर्जा। आप जानते ही है कि जिस धरती पर आप बैठे हैं वही जब खेती की गई तो भोजन बन गई, आपने जब उसे खाया तो इससे आपके शरीर का निर्माण हुआ। तो इस तरह से आप और यह धरती अलग नहीं है। जिन पांच तत्वों से मिलकर इस धरती का निर्माण हुआ है वही इस जगत की तमाम दूसरी चीजों का भी निर्माण करते हैं, यह सब हम जानते हैं। तो ऊर्जा एक ही है, लेकिन ऐसा क्यों है कि आप इसे इस तरह से महसूस नहीं करते? इसकी वजह यह है कि अभी आपकी बुद्धि काम कर रही है। बुद्धि का मूल काम चीजों को अलग करना है, उनमें अंतर करना है। आप इंसान और कुर्सी के बीच अंतर कर सकते हैं क्योंकि आपकी बुद्धि काम कर रही है। आप किसी इंसान और अपने बीच फर्क कर सकते हैं क्योंकि आपकी बुद्धि काम कर रही है। इस अंतर के भाव के बिना आप इस धरती पर जीवित नहीं रह पाएंगे। इस धरती पर जीवित रहने के लिए यह जरूरी है कि आपके भीतर चीजों को अलग करने का बोध हो। अगर आप कहीं पर जाए और आपकी बुद्धि काम न कर रही हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कहां से अंदर जाना है, खिड़की से, दरवाजे से या दीवार फांद कर। चूंकि आपकी बुद्धि काम कर रही है इसीलिए आपको पता है कि आपको कहां जाना है, नहीं तो आप ये कभी नहीं जान पाएंगे। तो योग मेल की बात करता है। यह मेल कैसे होगा या कैसे संभव होगा? एक मैं हूं, दूसरे आप है, बिल्कुल अलग अलग, दोनों चीजों के एक दूसरे के साथ मिल जाने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन हर चीज एक कैसे हो सकती है? यह पानी व भोजन जो आपने खाया है वह आप है, क्योंकि ये आपके इंद्रिय बोध की सीमाओं के भीतर चले गए हैं। अगर यह आपके इंद्रिय बोध की सीमाओं से बाहर हो तो यह आप नहीं है।
अगर ये भीतर है तो ये आप है, यही आपके जीवन का अनुभव है। आपने जो अपना यह वजन बढ़ाया है, यह पूरा वजन इससे पहले इस धरती पर मौजूद था। धीरे धीरे नाश्ता खाना और यह सब आप में समाता चला गया। आपने इस धरती को अपने इंद्रिय बोध की सीमाओं के भीतर कर लिया। अब आप इसे मैं समझते हैं। इंद्रियों की सीमाएं केवल शरीर तक ही सीमित नहीं है, उनका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व भी होता है। आपने कभी ना कभी इसका अनुभव किया होगा। क्या कभी आप इतने आनंद में रहे हैं कि आपकी आंखों से आंसू आ गए हो? ऐसे में अगर आप अपने शरीर से 8 या 9 इंच की दूरी से भी अपने हाथ को शरीर पर फेरे तो आपके शरीर में आपको थोड़ी बहुत संवेदना महसूस होगी। आपको स्पर्श करने की जरूरत नहीं है, फिर भी संवेदनाएं होगी। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है? किसी भी वजह से जब आप बहुत खुश होते हैं, अगर आपकी ऊर्जा उस वक्त जबरदस्त तरीके से स्पंदित हो रही है तो आप अपने शरीर को उससे 8-9 इंच की दूरी पर भी महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप बहुत अधिक खुश होते हैं तो आपकी संवेदना या कहे आपका संवेदी शरीर अपना विस्तार कर लेता है। इतना ही नहीं, कुछ खतरनाक स्थितियों में भी आपको इसका अनुभव हो सकता है। यह चिकित्सा विज्ञान द्वारा प्रमाणित तथ्य है कि अगर किसी की टांग काट दी जाए तो भी उसको अपने टांग की संवेदना महसूस होती है, क्योंकि संवेदी टांग वैसी की वैसी ही बनी रहती है। उस शख्स को अपने उस पैर में दर्द भी महसूस होगा जो अब है ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि आपके संवेदी शरीर का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है जो शरीर से परे है। योग का मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा को इतना तीव्र और स्पंदित बनाए कि आपका संवेदी शरीर इस ब्रह्मांड जितना विशाल हो जाए। अब आप बैठे बैठे पूरे जगत को अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। जैसे आप यह महसूस करते हैं कि आपकी पांचों उंगलियां आपकी है, वैसे ही आप पूरे जगत को अपना महसूस करने लगते हैं। योग का यही मतलब है। धन्यवाद।